चैनल एंड आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज मैं आज आपको एक हिडन जेम पे ले चली हूँ जो है TPO रेस्टोरेंट कनॉट प्लेस में एंड टू बी मोर प्रिसाइज ये मोहन सिंह प्लेस में है बिल्कुल रिवोली के पास एंड यहाँ पे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज हम ट्राई करने वाले हैं मेजरली नॉन वेजिटेरियन ट्राई करेंगे बिकॉज ये 59 ईयर्स से है यहाँ पर एंड इनकी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स काफ़ी फेमस है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइस ये हमारा कीमा मीट बन रहा है एंड भैया हमारे लिए स्पेशली सारे प्रोसेस दिखा रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि देखो और ये इनकी स्पेशलिटी है जब से ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर ये इनकी ग्रेवी इन्होंने पहले से बना रखी है उसको ऐड कर रहे हैं किचन में खड़े होके शूट करना बहुत मुश्किल होता है तो जो इससे पहले जो लिखेंगे कमेंट हेट में वो ध्यान रखना हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सो गाइस ये कीमा मीट हमारा रेडी हो चुका है और काफी टेम्पटिंग लग रहा है सो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग से आपको पता चल गया होगा कि ये सबका फेवरेट इंडिया में नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये डिश पसंद नहीं है और वो है बटर चिकन और जो शॉप के ओनर है उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि बटर चिकन जरूर ट्राई करो ओए होए 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 हमारा बटर चिकन बिल्कुल रेडी है एंड अब बस इसको खाने की देर है सो गाइज मेरा खाना आ चुका है और ये है कीमा मीट ये है बटर चिकन जो सबका फेवरेट है एंड ये है चिकन बिरयानी और मैंने साथ में ऑर्डर किया है तंदूरी रोटी सो अब मैं आपको इन सबका टेस्ट बताती हूँ कैसा है सो गाइज सबसे पहले ट्राई करेंगे बटर चिकन एंड आप देख सकते हो इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी लग रही है एंड इन्होंने मुझे लेग पीस दिया है सो मैं दिखाती हूँ आपको काफ़ी बटर है क्रीम है एंड अच्छी लग रही है काफ़ी ग्रेवी सो टेस्ट करके बताते हैं कि क्या है इसका टेस्ट बटर चिकन काफ़ी टेस्टी लगा मुझे एंड ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ एंड इसमें काफ़ी क्रीम का अच्छा टेस्ट आ रहा है इन्होंने टमेटो यूज़ किया है एंड अनियन की ग्रेवी यूज़ की है एंड इसको टॉप किया है क्रीम बटर एंड चिकन काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से फ्लेवर्स आ रहे हैं इसके मैं एक और बाइट ले रही हूँ इसकी बिकॉज यू कैन नेवर गेट इनफ ऑफ बटर चिकन बहुत टेस्टी है सो गाइज ये सेकेंड डिश जो हमें रेकमेंड किए इन्होंने है कीमा मीट और ये शॉप 1960 से है यहाँ पर एंड तब से ये कीमा मीट और बिरयानी दो आइटम तब से इनके मेन्यू में है तो आप समझ सकते हो कि ये कितना स्पेशल होने वाला है सो मैं आपको एक क्लोज़र लुक दिखा रही हूँ इसकी ग्रेवी में इसमें इन्होंने कीमा डाला है मटन के पीसेस डाले हैं एंड ऊपर से इन्होंने जिंजर से इसको टॉप किया है धनिया है और अभी खा के इसका टेस्ट बता दे कैसा है सो गाइज मैं ये तंदूरी रोटी के साथ ही ट्राई कर रही हूँ एंड अगर आपको नान पराठा किसी के साथ भी ट्राई करना है तो आप इनको बोल सकते हो तो वो आपको सर्व कर देंगे और थोड़ी सी ग्रेवी टेस्ट बहुत अच्छा है जिंजर का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है देसी घी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है और नो वंडर ही इनकी स्पेशलिटी है मटन बहुत अच्छे से कुक हुआ हुआ है एंड स्पाइसी जो है मीडियम स्पाइसी है ज़्यादा स्पाइसी नहीं है सो मेरी तरफ से ये मुझे बहुत अच्छा लगा मैं ज़्यादा मटन लवर हूँ नहीं लेकिन जिससे भी मैंने ये जगह के बारे में पूछा उन्होंने बोला कि मटन आपको ज़रूर ट्राई करना है सो मैं भी आपको रेकमेंड कर रही हूँ मटन आपको ज़रूर ट्राई करना है ये
टोटली वर्थ इट है। ग्रेवी मुझे इसकी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं एक और बाइट ले रही हूँ और मुझे इसका फ्लेवर थोड़ा थोड़ा ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे घर में बनता है ना, तो उससे मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, तो ये मुझे बहुत कंफर्टिंग लग रहा है। वेरी नाइस। सो गाइज, थर्ड चीज जो मुझे रेकमेंड इन्होंने की है वो है बिरयानी। इनका कहना है कि जब से ये शॉप है यहाँ पर, बिरयानी और मटन ये तब से सर्व कर रहे हैं। एंड ये 2 पीसेस इन्होंने दिए मुझे चिकन बिरयानी में, और ये 210 की है एंड क्वांटिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। सो मैं बताती हूँ इसका फ्लेवर कैसा है। सो गाइज, ये मटन की इन्होंने ग्रेवी दी है मुझे बिरयानी के साथ, तो जिससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यूजुअली लोगों को बिरयानी रायता या फिर कुछ ग्रेवी के साथ उसका फ्लेवर ही अलग ही आ जाता है। सो ट्राई करके बताती हूँ कैसा है इसका फ्लेवर। ग्रेवी डालने से बिरयानी का फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा चिकन ले लेते हैं, आज तो बहुत मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी है। अगर आप बिरयानी इंडिविजुअली खाओगे विदाउट ग्रेवी, तभी बिरयानी के फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। इन्होंने थोड़ा थोड़ा इसमें काजू भी डाल रखा है एंड काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स लग रहे हैं मुझे इसके। ग्रेवी डालने से क्या हुआ है कि थोड़ा स्पाइसी लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है। सो दिस इज ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड। सो गाइस, हमारे साथ ये शॉप के ओनर हैं जो थर्ड जनरेशन से इस शॉप को चला रहे हैं। सो मनीष जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी इतने इयर्स हो गए हैं, तो कंसिस्टेंसी जो टेस्ट में सब कुछ है, जो क्लाइंट्स हैं वो सब आपसे बहुत, टेस्ट तो बहुत अच्छा है जैसे हमने वीडियो में बताया, तो आपके हिसाब से जो यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं वो हमेशा खुश होके ही जाते हैं? मेरे पास सारे ओल्ड कस्टमर हैं। ओल्ड कस्टमर है, ठीक है। और ये रेस्टोरेंट को 59 ईयर्स हो गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना पुराना रेस्टोरेंट है, कितनी स्पेशलिटी है। एंड सर, ये शॉप किस दिन क्लोज रहती है? ट्यूजडे को क्लोज रहती है, तो ट्यूजडे को प्लीज मत आना क्योंकि ट्यूजडे को शॉप क्लोज होती है। एंड आप कुछ, क्योंकि हमने सिर्फ नॉन वेजिटेरियन थिंग्स ट्राई करी, आप कुछ वेजिटेरियन रेकमेंड करोगे? वेज में शाही पनीर है, शाही पनीर है, पनीर बटर मसाला है, पनीर है, ठीक है, बहुत आइटम है। और इनके इनके रेंज, प्राइस रेंज क्या है? नियर अबाउट 200 है। 200, ठीक है। सो गाइस, 200 अप्रोक्सीमेटली इज फॉर वेजिटेरियन डिशेस, वेयर एज नॉन वेजिटेरियन के हो जाएंगे अराउंड 250 to 300, ठीक है। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस जगह का है, इट्स अ 4.5/5। इनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, ये शॉप 59 ईयर्स पुरानी है, नो वंडर इसका टेस्ट, इसके जो स्पेशलिटी हैं, जो डिशेस हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। एंड इनकी, इन्होंने जो अपने मेकिंग में देख सकते हो कि बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं। एंड जो बटर चिकन था वो बिल्कुल मीठा नहीं था, यूजुअली हर जगह काफ़ी मीठा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा था और कीमा मीट का फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। एंड मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, अगर आप CP के अराउंड हो, आपको ये जगह आकर आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, विच आई एम रियली श्योर। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाओगे।